नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेठ भारती। आज हम बात करेंगे किसानों के डीजल अनुदान को लेकर। बिहार में मौसम की जो स्थिति है उसे देखते हुए अब लग रहा है कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में सुखाड़ जैसी स्थिति होने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में प्रदेश में झमाझम बारिश को लेकर कोई खास अपडेट साझा नहीं किया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए किसानों को डीजल अनुदान देने की शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले इस अनुदान से किसानों को डीजल से चलने वाले पंप सेट के जरिए अपनी फसलों की सिंचाई करने में सहूलियत होगी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 29 जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 60 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल अनुदान देने का प्रावधान है। डीजल अनुदान को लेकर बोलते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को धान के बिचड़ा और जूट की दो बार सिंचाई के लिए अधिकतम 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि खड़ी फसलों में धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधि और सुगंधित पौधों को तीन बार सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस साल 1 जून से 28 जुलाई के बीच में प्रदेश में 41% और 1 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में औसतन 66% सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में अभी तक मात्र 45% ही धान की रोपनी हो पाई है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि किसानों के लिए बनाए गए कृषि फीडर से 16 घंटे तक की बिजली दी जाए ताकि किसान पटवन का काम कर सके। आइए अब जान लेते हैं अनुदान लेने के लिए किसान क्या क्या कर सकते हैं या फिर कैसे आवेदन कर सकते हैं। वैसे किसान जो दूसरे की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उन्हें सरकार गैर रियायती मानती है, यानी कि वो जो है मान लीजिए किसी के यहाँ बटाई पे काम कर रहे हैं किसी के खेती को लेकर, तो उसको जो है सरकार ने गैर रैयत किसान के रूप में माना है, वो भी सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। वो भी इस योजना का लाभ पूरी तरीके से उठा सकते हैं। इसके कागजात को प्रमाणित या फिर सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य और कृषि समन्वयक की मदद लेनी होगी। सत्यापित करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को भी अनुदान का लाभ मिल सके। बता दें कि इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि केवल वही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो कि वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डीजल अधिकृत पेट्रोल पंप से खरीदा गया हो। साथ ही साथ पेट्रोल पंप से मिलने वाला डिजिटल वाउचर में किसानों का 13 अंक का पंजीकरण संख्या भी होना चाहिए, उसके बाद वह वाउचर मान्य माना जाएगा। किसान खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। वहां पर जाने के बाद डीजल अनुदान का विकल्प आपके सामने दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डीजल की रसीद, सिंचाई सत्यापन फॉर्म, नाम, बटाईदार का नाम, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी आपको पूरी तरीके से भरना होगा। उसके बाद आप उस फॉर्म को सबमिट कर दें। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक मान्य होगी। किसानों को लेकर जो अपडेट साझा किया जा रहा है उसमें यह बताया गया है कि अब हर किसान अधिकतम 8 एकड़ की जमीन पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दे सकता है। बता दें कि पहले वह 5 एकड़ तक था। इसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने के कारण प्रदेश में कई जिलों में किसानों की हालत खराब हुई है। खासकर खरीफ फसल को लेकर किसानों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।